accept that I got a better place to be, where the only focus is me. Neon weightless, got me feeling like I'm flying. I've been holding on to these dreams, I'm ready to take the leap, cause I've been holding life in the ocean. Hello guys, welcome back to Team Car Delight. तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपडेटेड Hyundai Accent का S6 वेरिएंट। तो चलिए करते हैं इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस। एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं कैसा ये Accent का अपडेटेड S6 मॉडल। तो Hyundai Accent अवेलेबल है S6 ऑप्शनल मॉडल में। एंड अभी आप दोस्तों देख रहे हैं S6 मॉडल की फ्रंट लुक। Hyundai यहाँ पे दे रही है आपको 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, प्लस मिलेगी 3 ईयर्स की रोड साइड असिस्टेंस। सो यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत ही स्टाइलिश हेडलैम्प विद लॉट ऑफ क्रोम ट्रीटमेंट। एंड इस मॉडल में फॉग लैम्प भी अवेलेबल है और LED डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मिलेंगी। एयर कर्टन भी दिया गया है यहाँ पे फॉर हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड एक्सेलेंट माइलेज। फ्रंट में मिलती है Hyundai सिग्नेचर कैस्केड डिजाइन ग्रिल विद क्रोम बॉर्डर्स एंड क्रोम स्लैट्स, जो कि बहुत ही स्ट्राइकिंग लुक दे रही है। एंड दोस्तों फ्रंट में मिलती हैं डिस्क ब्रेक्स, रियर में दी गई हैं ड्रम ब्रेक्स। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैक पियर्सन स्ट्रट, रियर में दिया गया कपल टॉर्जन बीम एक्सेल विद शॉक एब्जॉर्बर्स। बहुत ही कंफर्टेबल एंड कंपोज राइड क्वालिटी आपको मिलती है Hyundai Accent में। एंड इस कॉम्पैक्ट सेडान की ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है 43 लीटर्स की। एंड गाइस S6 मॉडल में आपको मिलते हैं क्लीन सिल्वर अलॉय व्हील्स 14 इंचेस के, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। 165x65 सेक्शन टायर्स अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे विंग मिरर्स पे दिए गए हैं टर्न इंडिकेटर्स। एंड बॉडी कलर डोर हैंड्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे रूफ पे आपको मिलता है शार्क फिन एंटेना। एंड यहाँ पे रियर में इस वेरिएंट में आपको स्पॉइलर भी मिलता है, जो कि सेडान को बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है। और ये है S6 मॉडल की बैजिंग। और यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत ही प्रीमियम टेल लैंप्स, रैप अराउंड टेल लैंप अवेलेबल है। यहाँ पे दी गई है Accent की बैजिंग। और ये है रियर में डुअल टोन बम्पर, जो कि एक और स्पोर्टीनेस को ऐड भी करता है। एंड गाइज ये है Hyundai Accent की बहुत ही प्रीमियम येट स्पोर्टी रियर लुक। यहाँ पे अवेलेबल है 5 कलर ऑप्शंस, जो है स्टार डस्ट, फेरी रेड, पोलर वाइट, मेरीना ब्लू एंड टाइफून सिल्वर कलर। एंड दोस्तों Hyundai Accent में दिया गया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर। यहाँ पे यूज़ करा गया है एंटी कोरोसिव स्टील, रिंग स्ट्रक्चर एंड कई सारी और स्पेशल एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ करी गई है, ताकि गाड़ी के बॉडी स्ट्रक्चर या फिर बॉडी शेल को बहुत ज़्यादा रिजिडिटी एंड रोबस्टनेस दिया जाए। एंड इस गाड़ी का कर्व वेट है 950 से लेके 1100 kg। एंड Accent की डायमेंशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। लेंथ, विड्थ, हाइट एंड व्हील बेस, ये आती है कॉम्पैक्ट सेडान के सेगमेंट में मार्केट में कॉम्पीट करती है ये फोर्ड एस्पायर, VWMU, मारुति सुजुकी डिजायर, होंडा अमेज एंड टाटा टिगोर के साथ। एंड Accent की पर मंथ एवरेज इंडिया में सेल है 3000 से लेके 3500 यूनिट्स। एंड अब बात करते हैं लगेज एरिया के बारे में। तो यहाँ पे टेल गेट के बटन को अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेल गेट ओपन हो गया है। और यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ही वेल शेप एंड बिग साइज का 407 लीटर्स का कार्गो एरिया। एक लगेज लैम्प भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है स्पेयर व्हील अलॉन्ग विद टूल किट। स्टील व्हील दिया गया है यहाँ पे, स्पेयर व्हील आपको अलॉय नहीं मिलेगा। एंड अब टेल किट को भी क्लोज कर देते हैं। एंड Accent के इस S6 मॉडल के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पर अवेलेबल है इंजन इमोबिलाइजर, डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS विद EBD, डोर एंड टेल गेट अजार वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट फॉग लैम्प्स, रियर डिफॉगर, रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइंस,
एंड इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक। तो ये सारे यहाँ पे मिलते हैं आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। एंड अब बात करेंगे हम इंजन ऑप्शन एंड माइलेज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से बोनेट को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, हुंडई की इस कॉम्पैक्ट सेडान में मिलते हैं दो इंजन ऑप्शन। फर्स्ट इज 1.2 लीटर डुअल VTVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। पावर 82 BHP, टॉर्क मिलेगा 114 Nm का। ये अवेलेबल है 5 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, जिसकी माइलेज है 19.1 km फॉर मैनुअल एंड 16.1 km फॉर ऑटोमेटिक। एंड सेकेंड इंजन इज 1.2 लीटर U2CRDI 4 सिलेंडर डीजल इंजन। पावर है 74 BHP, टॉर्क मिलता है 190 Nm का। ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, जिसकी माइलेज है 24.4 km। सारे मॉडल आपको मिलते हैं पेट्रोल एंड डीजल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, लेकिन अगर आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना है तो वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एस मॉडल में। तो ये तो थी इंजन ऑप्शन एंड माइलेज की बात। अब चलते हैं इंटीरियर्स में, फिर मैं आपको बताऊंगा गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। सो यहाँ पे आपको दो कीज मिलती हैं, एक आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड की मिलेगी एंड सेकंड आपको मिलेगी फोल्ड की विथ 3 स्विचेस। एंड यहाँ पे क्रोम असेंट्स भी दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो दूसरी की है, दैट इज फॉर गियर लॉक, जो कि पार्ट ऑफ एसेसरी है। तो अब गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। सो गाइज, ये है ड्यूअल टोन ब्लैक एंड बेज फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। हमें ड्यूअल टोन इंटीरियर थीम मिलता है, जो कि बहुत ही अप मार्केट लुक दे रहा है। एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, फ्रंट सीट्स की हेडरेस्ट फिक्स्ड है, नॉन एडजस्टेबल। डुअल टोन आपको यहाँ पे फैब्रिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड इसी के साथ यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट अवेलेबल है। ये है बूट लिड एंड फ्यूल लिड। और यहाँ पे डुअल टोन कलर का डोर मिलता है, इंटीरियर थीम से मैचिंग। मेटल फिनिश इन साइड डोर हैंडल अवेलेबल है। यहाँ पे दिए गए स्पीकर्स, बिग साइज बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट। ऑल फोर पावर विंडो मिलती है ड्राइवर साइड ऑटो डाउन के साथ। एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआर वीएम्स अवेलेबल हैं। और ये है हेडलाइट बीम हाइट एडजस्टमेंट। ब्लू कलर की ओवरऑल हमें कैबिन में एल्यूमिनेशन भी मिलती है। एंड यहाँ पे ओवरऑल काफी सारे प्रैक्टिकल स्टोरेज एरियाज भी अवेलेबल है। हैंड ब्रेक के पास भी कुछ स्टोरेज स्पेस दी गई है। इसके आगे आपको मिलते हैं यहाँ पे दो डिफरेंट साइज के बॉटल होल्डर्स। एंड ये है लेदर फिनिश गियर नाउ विद पियानो ब्लैक फिनिश। अब लगाते हैं रिवर्स गियर। सो कुछ ऐसा डिस्प्ले आपको मिलेगा रियर पार्किंग कैमरा का, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एंड शार्प डिस्प्ले दिया गया है। एंड यहाँ पे सेंट्रल कंसोल में भी स्टोरेज एरिया अवेलेबल है। एंड इस बॉक्स को भी आप बहुत ही इजीली वन टच में ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सेंट्रल कंसोल में आपको मिलेगा USB एंड ऑक्स पोर्ट इल्यूमिनेटेड। साथ में ये है USB चार्जर, जो कि 12 वोल्ट के पावर आउटलेट में प्लग करा गया, तो आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में अपडेटेड एक्सटेंड में अब आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। तो वायरलेस चार्जर जो है वो कनेक्टेड है इस USB चार्जर के साथ, तो जैसे आप इसको प्लग करेंगे तभी चार्जिंग ऑन होगी। और यहाँ पे आपको मिलता है 3 एम्पियर जो है फास्ट चार्जिंग पोर्ट। तो हम जैसे इसे प्लग करेंगे तो आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जर ऑन हो रहा है एंड अब स्मार्टफोन की चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है। और अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो आप देख सकते हैं चार्जिंग ऑफ हो गई है। दोबारा प्लग इन करेंगे तो आप देख सकते हैं दोबारा वायरलेस चार्जर ऑन हो रहा है एंड चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास फीचर अवेलेबल है। साथ में मैनुअल एसी मिलेगा विद हीटर। सो गाइज, ये है टॉप नॉच 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप इमेजेस व्यू कर सकते हैं, वीडियोस को प्ले कर सकते हैं एंड ये सपोर्ट करता है एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड स्मार्टफोन के थ्रू आपको नेविगेशन भी मिलेगी। टोटल 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। ऑल्सो ये हुंडई की आई ब्लू ऐप को भी सपोर्ट करता है, जो है रिमोट कंट्रोल ऐप। एंड यहाँ पे आपको USB, ऑक्स, रेडियो एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। और ये है ग्लव बॉक्स। इस मॉडल में आपको मिलता है कूलिंग ऑप्शन।
और को ड्राइवर साइड सनशेड, वैनिटी मिरर मिलेगा। यहाँ पे सेंटर में आपको मिलता है कैबिन लैम्प और ड्राइवर साइड सनशेड पे मिलेगा टिकट होल्डर। एंड गाइज ये है एक्सेंट के स्टीयरिंग व्हील की लुक। लेफ्ट साइड मिलेंगे ऑडियो कंट्रोल्स एंड ये है ब्लूटूथ टेलीफोनी कंट्रोल्स एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कंट्रोल। सो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए स्मार्टफोन कनेक्ट करना पड़ेगा। राइट साइड कुछ और ऑडियो कंट्रोल्स मिलेंगे और ट्रिप एंड रीसेट यहाँ पे जो दिए गए हैं दैट इज फॉर MID स्क्रीन। एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलता है। सो यहाँ पे दिए गए टिल्ट एडजस्टमेंट ऊपर या नीचे आप कर सकते हैं। लेफ्ट साइड मिलते हैं वाइपर कंट्रोल्स, राइट साइड दिए गए हैं हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प कंट्रोल्स एंड ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सेंटर में MID स्क्रीन भी अवेलेबल है जो कि शो करती है डुअल ट्रिप मीटर, एवरेज व्हीकल स्पीड, इंजन रनिंग टाइम, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर। एंड गाइज अब चेक करते हैं एक्सेंट S6 मॉडल के रियर सीट्स का कंफर्ट। ऑल्सो इस वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड ये है रियर डुअल टोन कलर डोर की लुक। स्पीकर्स अवेलेबल हैं, साथ में बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट भी दिए गए हैं। ये है पावर विंडो कंट्रोल्स एंड ये है रियर सीट्स की लुक। बहुत ही एक्सेलेंट अमाउंट का कंफर्ट रियर सीट्स ऑफर करती है। ऑल्सो यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी अवेलेबल है। सेंटर में यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगी एंड आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। एंड दोस्तों एक्सेंट में बहुत ही बढ़िया अमाउंट का हेडरूम भी अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको सेंटर में मिलता है रियर एसी वेंट और ये है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। एक फ्रंट में मिलेगा, एक रियर में। और यहाँ पे मिलता है आपको ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर। सेंटर में यहाँ पे मिलता है कैबिन लैम्प एंड राइट साइड भी ग्रैब हैंडल दिया गया कोट हैंगर के साथ। एंड इस डोर को हम क्लोज कर देते हैं। सो कैबिन लैम्प में मिलता है हमें थिएटर डिमिंग फंक्शन और ये है बहुत ही प्रीमियम एंड अप मार्केट फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। सो दोस्तों कैसी लगी आपको Hyundai एक्सेंट S6 मॉडल जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।